फ्रेंड्स, आज की वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है आपके कमेंट से। तो पहला कमेंट है इकरा हसीब का, आई एम इन लव विद योर फैमिली, थैंक यू इकरा जी। प्रिया से कहती हैं लवली कपल, थैंक यू प्रिया जी। इसके बाद नेक्स्ट कमेंट है सुधा रश्मि जी का, दीजिए जो आपने मैचिंग पहना है वो भी रेड कलर, प्यार करेंगे आप दोनों हमेशा ऐसे ही रहे। थैंक यू रश्मि जी आपकी बेस्ट विशेज़ के लिए। इसके बाद नेक्स्ट कमेंट है जय श्रीवास्तव जी का, कितनी सुबर्टी है आप में, थैंक यू जया जी। अंकिता सालवे कहती हैं फर्स्ट रिव्यू फर्स्ट कमेंट, आप रेसिपी शेयर करते हो बहुत अच्छा लगता है, आपके ब्लॉग्स देखना बहुत अच्छा लगता है, आज बहुत दिनों बाद कमेंट शो के। अंकिता जी आप लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं रेसिपी में, इसलिए मैंने उसको ज़्यादा इन्वॉल्व कर दिया है। पावन शर्मा कहते हैं गुड हाउस वाइफ एज वेल एज वर्किंग वुमन, ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म ऑसम, दे लव यू, थैंक यू भावना जी। डोरी डायरीज कहती हैं एक्सरसाइज चैलेंज प्लैंक करो साथ में एंड बेली फैट कैसे कम करें, जल्दी से कोई सोल्यूशन बताओ, दो तीन बेस्ट एक्सरसाइज। तो डोरी डायरीज जी, ये कमेंट आपका मेरे हस्बैंड ने पढ़ा, उनको बड़ा पसंद आया है और ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट चैलेंज उसी पे करेंगे। सोनाली हम कहती है वेरी नाइस फैमिली, योर हस्बैंड इज नाउ गेटिंग मोर इन्वॉल्व इन वीडियोज, लव योर कपल। सोनाली जी लॉकडाउन चल रहा है तो उसका असर दिख रहा है आपको। रुखसार शेख कहती है वाओ माशाल्लाह पराठा बनाया दीदी, लव यू दीदी। रुखसार जी पराठा नहीं नान था वो। बलजीत के कहते हैं हेलो मोनिका जी, आई लव टू सी योर वीडियोज इवन आई डोंट हैव टाइम। तो थैंक यू बलजीत जी टाइम निकालने के लिए, बहुत खुश है कि आपने कमेंट्स में सबके नाम लिए और व्लॉग इज़ गुड, आपका टिकटॉक देखा आ जाता, थैंक यू बलजीत जी। एंजल बर्ड कहती है आप जब हम लोग के कमेंट्स पढ़ते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है जब आप लोग मेरे लिए टाइम निकाल के कमेंट्स करते हैं, आप कोई भी गेम खेलो बहुत इंजॉय करते हैं, थैंक यू एंजल जी। मंजरी चौधरी कहती है हेलो दी, आप साड़ी में कब आ रहे हो, कब व्लॉगिंग कर रहे हो, तो कोशिश करूँगी मैं जल्दी मंजरी जी। तो फ्रेंड्स ये थे आप लोगों के कमेंट्स, और फ्रेंड्स आज 23rd of April और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जलेबी की रेसिपी। मैं आपको बता दूँ मैं भी यहाँ पर पहली बार बना रही हूँ जलेबी आप लोग के कहने पर, और जलेबी बहुत अच्छी बनी थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ रेसिपी ज़रूर शेयर की जाए। यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा लिया है और उसमें 1 कप दही को मैं मिक्स कर दूँगी, इसके अलावा मैंने तीसरा कोई इंग्रेडिएंट नहीं डाला है। तो इन दोनों को आप पहले अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, जब आप मिक्स करेंगे तो स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि शायद नहीं बन पाएगा बैटर, लेकिन नहीं, जब आप इसको जैसे मिक्स करते जाएंगे ना तो आप देखिएगा कितना स्मूथ पेस्ट बन जाएगा इसका आपका। और हाँ एक चीज़ और बता दूँ आपको, ये जो हम इसका मिक्सर बनाने जा रहे हैं ना, अगर आपको शाम को बनानी है जलेबी तो आपको ये सुबह तैयार करना पड़ेगा, और अगर सुबह में बनानी है तो आपको रात को करना पड़ेगा। इसको बनाने के बाद आपको प्लेट से ढककर आपको इसको एटलीस्ट 10 घंटे के लिए ज़रूर रखना है। तो यहाँ पर मैं सुबह के बज रहे थे 8, तो मैंने तब इसको तैयार कर रही थी क्योंकि हमने शाम को बनानी है जलेबी, ठीक है। तो याद रखिएगा 10 घंटे के लिए इसको ज़रूर रखना होता है इस बैटर को। और अभी यहाँ पर शाम का टाइम, तो मेरे हस्बैंड अपना वर्कआउट करने के लिए जा रहे थे, तो अपनी जो डाइट है वो अपने आप भी कुछ कुछ कर लेते हैं क्योंकि वही अब सब लोग घर पर खाली रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो सारी चीज़ें मुझे से कराते हैं। तो अपना जो मील जो भी लेना है वो कुछ खुद तैयार कर रहे थे, कुछ मैं हेल्प करा रही थी। और ये जो सामने आपको कबर दिख रहा है खुला हुआ, इसमें उन्हीं का सामान रहता है क्योंकि अगर उन्हें आगे पीछे लेना होता है तो बस एक कबर खोलते हैं उसमें से ले लेते हैं, वरना वही है आप तो जानते ही हैं जो मेल होते हैं क्या करते हैं, थोड़ा सामान बिखेर देते हैं। तो हमने इस कबर्ड में इन्हीं का रखा हुआ है, जैसे इनके ओट्स हो जाते हैं, सोयाबीन है, ऑलिव ऑयल है, जो भी चीज़ें हैं इनकी सप्लीमेंट वगैरह सब इसी में रखते हैं। और यहाँ पर बस मैं हेल्प कर रही हूँ इनकी। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोग इनकी डाइट के बारे में पूछते हैं तो ये बीच बीच में चेंज करते रहते हैं, कोई फिक्स नहीं है, तो मैं भी इसलिए ज़्यादा आपसे कुछ नहीं बता पाती हूँ। अब जैसे इन्होंने आज भी चेंज किया था, कल रात इन्होंने जो काले चने होते हैं सोयाबीन की दाल वो रखी हुई थी मतलब पानी में डालकर, तो जब वो सोख हो जाते हैं तो उसको भी लेते हैं, और ओट्स का आपको पता ही है वो लेते हैं, एप्पल लिया था, तो इस तरह से चेंज होती रहती है। तो इसलिए मैं कुछ फिक्स नहीं बता पाती आपको, वो इनको पता है कब अपना सीज़न चेंज कर लेते हैं। तो अभी वर्कआउट से पहले कुछ इस तरह का ले रहे हैं अपनी डाइट, ये ओट्स हैं, उधर आपने देखा है चने और सोयाबीन रखे हुए हैं, और ये हैं आपके एप्पल। और सिया होमवर्क कर रही है यहाँ पर, और सैंडी आप क्या कर रहे हो? अच्छा आज का आपने बिल्कुल भी नहीं किया है, झूठ नहीं बोलते। और क्या कर रहे हो? ये चीज काट देगा। अच्छा, और हाथ में क्या ले रहे हो आप? खिलौने, खिलौने से खेल रहे हैं ना, काम मत करना है ना। बस 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 चंडी, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसकी ऑनलाइन स्टडीज किस तरह से चल रही है। 3-4 दिन ही हुए हैं उसको स्टार्ट किए, शायद 3-4 दिन ही हुए हैं। तो जैसे मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था कि उसकी सॉल्व नहीं हुई थी दिक्कत, बट अब हो गई है, तो फोन पर ही उसका होमवर्क आ जाता है। इसमें ना बनाऊ अब आपको होमवर्क करना है इधर नहीं छोड़ फोन के बिना बच्चों की हालत। तो अभी हम आपको होमवर्क तो देख लेते हैं आज क्या मिला है। आज आपने कोई होमवर्क नहीं किया, शाम हो रही है,
होमवर्क देख लो और फोन दे दो। अभी रुको आज आपको होमवर्क दिखा रही हूँ मैं, रुक जाओ। क्या है सिर्फ दिखाओ। सबसे पहले दिखाती हूँ इंग्लिश में अपोजिट वर्ड्स याद करने हैं आपको। एक होमवर्क तो ये है आपका, ठीक है? अपोजिट वर्ड्स। वाह बड़ा ठीक है, एकदम से कर लोगे ना जैसे? हाँ अपोजिट वर्ड्स बस। और मैथ्स में क्या है? मैथ्स में कुछ नहीं, मैथ्स का खत्म। मैथ्स का है अलग आया मम्मी, मैथ्स का ये है आपका। हर रोज भी तो मिलेंगे ना, और मैथ्स का इसका ये मिला है। इसको एक्चुअली क्या है, जैसे इसका पहले का काम रुका हुआ था ना, तो मैंने बोला था कि इसको कंप्लीट कर लो फिर आपको हो जाएगा। अब इसको लगता है और नहीं करना। जो इसका पहले का काम था ना सैंडी, वो कंप्लीट हुआ था। अभी भी तो हर रोज मिलेगा काम। तो हमारे व्यूअर्स के सामने दिखाओ आप कि आप कैसे करते हो काम के नाम पे, होमवर्क के नाम पे। होमवर्क नहीं करना है। और अभी हम आ गए हैं किचन, ये निकाल लेते हैं हम, फिर देखते हैं हमारा बैटरी कैसा हो गया है। कंसिस्टेंसी है इसकी। और फ्रेंड्स अभी 10 घंटे हो चुके हैं और हमारा जो बैटर है मैंने उसको निकाल लिया है। और इस तरह से जो इसके लिए जो कोन तैयार करनी होती है, जो हार्ड पॉलीथीन होती है आप उससे कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास सिपर है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, जो सॉस बॉटल्स होती हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था अभी, तो ये एक हार्ड पॉलीथीन थी तो मैंने इसको लिया था। एक साइड में बहुत छोटा सा होल किया था, ज़्यादा बड़ा नहीं, और उसमें इसको इस तरह से डाल दिया था बैटर को। और आप देख सकते हैं मैंने स्टार्टिंग में की थी, क्योंकि मैं भी पहली बार बना रही हूँ ना, तो मैं बहुत कॉन्शियस थी, मैंने कहा देखती हूँ किस तरह से बनती है। लेकिन टच वुड बहुत अच्छी बनी थी। और इस तरह से बस जैसे शेप देते हैं हलवाई लोग, आपको भी जो देनी है आप इस तरह से आपको करना होता है। और हाँ ये याद रखें, जो गैस है जिसमें आप ये जो आपकी कढ़ाई रखी हुई है वो आपको मंदी रखनी है, ठीक है? मंदी गैस पर जब आप इनको बनाते हैं तो बहुत ही क्रिस्पी बनती हैं ये, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है आपको। और यहाँ पर क्या था, पापा जी गए थे और जो हमारे भैया जी हैं, सिया की बुक्स आनी थी, तो सिया की थी स्कूल के नाम से आई हुई हैं ये। कुछ एक्स्ट्रा नोटबुक्स मैंने सैंडी के लिए मंगा ली थी, क्योंकि अभी उसका ऐसा कुछ ऑर्डर नहीं आया कि स्कूल से क्या लेना है। और यहाँ टॉयज़ वगैरह बच्चों ने डाले हुए थे। और फ्रेंड्स ये है हमारी जो जलेबी है, इनको होने में टाइम तो लगता है क्योंकि हम इनको मंदी गैस पर करते हैं, लेकिन अच्छी भी तभी बनती हैं। और यहाँ मैंने जो देसी घी होता है उसका यूज़ किया है, देसी घी की जलेबियाँ बहुत टेस्टी लगने वाली हैं, बहुत ही अच्छी स्मेल भी उठती है। और कुछ किचन की इस तरह की हालत हो रखी है, जैसे शाम को हमारा मतलब खाना भी बनना था, दीदी यहाँ पर मलाई से घी बना रही हैं, आटा मल के रखा हुआ था दीदी ने, और यहाँ इस तरह से बिखरा हुआ है। आई थिंक आप समझ सकते हैं ऐसी हालत हो जाती है। एंड यस ये मैंने दूसरी जो जलेबी थी वो वाली थी, और जो जलेबी थी ना वो मैंने वैरायटी की बनाई थी, ये थोड़ी सी आपको साइज़ में सही लग रही होंगी। कुछ पतली भी बनाई थी, जैसे कुछ लोगों को पतली पसंद होती हैं तो अलग अलग वैरायटी बनाई थी। एंड यस यहाँ पर रह जाती है चाशनी, वो भी मैं आपको बाद में बताऊँगी। और पता है आपको इस तरह से ना अलट पलट कर इनको सेक लेना है। और आपने देखा होगा मैंने सिर्फ एक कप मैदा ली थी, उसमें ना काफ़ी जलेबियाँ तैयार हो गई थी। और ये जो यहाँ चाशनी रखी है इसका मैं बता देती हूँ किस तरह से बनाई थी। जो एक कप मैंने यूज़ किया था ना जिससे हमने मैदा और दही ली थी, सेम कप मैंने एक कप चीनी ली थी और एक कप लिया था पानी, दोनों को गर्म होने के लिए रख दिया था। और इसमें 3 से 4 मिनट ही लगे थे, क्योंकि जैसे जो शुगर होती है बस इतने वो मेल्ट होती है, इतने ही हमको इसको गर्म करना है। इसकी जो जैसे जो आपकी चाशनी होती है ना बहुत गाढ़ी सी, वो नहीं करना है, इतने शुगर मेल्ट होती है, बस इतने ही आपको गैस को ऑन रखना है, फिर बंद कर देना है। एंड हाँ फ्रेंड्स जब आप जलेबियों को सेक लेते हैं ना, तो इस चाशनी में आपको उनको डुबोना है सिर्फ 1 मिनट के लिए, और फिर निकाल लेना है। 1 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं डालना है, इतने में जो ये जो सिरप बनाया हमने शुगर सिरप उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है और बहुत अच्छी बनती है। और ये जो चाशनी है ना, गर्म चाशनी में ना डालें अपनी जलेबियों को, जब वो हल्की गर्म होती है या फिर आप इसको जब बिल्कुल ठंडा कर लेते तब भी डाल सकते हैं, ठीक है? तो जलेबियाँ बहुत टेस्टी बनी थी। और फ्रेंड्स ये थी मेरी कुछ स्टार्टिंग की जलेबियाँ जो बनी थी। आप समझ सकते हैं स्टार्टिंग में मतलब मुझे बनाने में थोड़ा सा मतलब सेकने में दिक्कत हुई थी, मैंने ध्यान नहीं दिया था, इस वजह से ऐसी हो गई थी। और जो बात की अच्छी बनी थी उनका रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि वही है जैसे जैसे बनती जा रही थी सब लोग लेते जा रहे थे और मेरे पास बस इसी का रिकॉर्ड था। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कैसी बनी है, बहुत अच्छी बनी थी, आप ज़रूर बना के देखिएगा। और रात के बज रहे हैं 11:30 और अब नहाए हैं। क्यों
बस एक ही काम रह गया लॉकडाउन में नहाना खाना पीना तो ना हुआ ना वर्कआउट करके तो ना हुआ। और आपको जलेबी कैसी लगी थी? जलेबी एक दुकान की भूल गया मैं तो, इतनी जबरदस्त जलेबी, लड़ाई हो रही थी सब खींचतानी हो रही जलेबी की, मैं खाऊंगा देखा था। तारीफ कर रहे हो या ऐसी टांग खींच रहे हो? ठीक थी या सही थी? अच्छी थी ना? अच्छी हुई बाहर जैसे लग रही थी। और फिर अगले हफ्ते दोबारा बनाना। हाँ हाँ नहीं अब की आज ना कम बनाई थी, अगली बार ज़्यादा देखेंगे। आज मैंने फर्स्ट टाइम बनाई थी और बहुत अच्छी बनी है, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। मैंने भी फर्स्ट टाइम बनाई है, अच्छी बन गई थी बहुत। और ये वाली जो टी शर्ट है मैंने इनको गिफ्ट की थी। ये वाली? हाँ भूल गए, ये मेरी गिफ्ट की हुई चीज़ें बहुत कम इनको पसंद आती है। अच्छे से दिखा दे, इनको कम पसंद आती है। हमारी जो चॉइस है ना, नहीं मैंने कितनी मैं कितनी मतलब और भी टी शर्ट्स मैंने इनको दी हैं, तो वो क्या करते घर में निकालनी थी इन्होंने। ये वाली टी शर्ट एक ऐसी रही थी, अभी तो खैर पुरानी हो चुकी है, जब नई थी तो इन्होंने बाहर भी पहनी थी, वरना जो बाकी के कपड़े हों अपनी तरफ से अच्छा कर लाओ ये उन्हें निकाल लेते थे बिल्कुल रोज के यूज़ में घर में ही, तो मुझे देख कर याद आ गया। चलो बाबा दिख रहा है नहा धो के आया, चलो चलो कल्टी मारो, मैं अपने व्यूअर्स के साथ बात कर लेती हूँ। नहीं हाँ आपको ज्यादा पसंद करते हैं अब हाँ, आप कमेंट्स आ रहे हैं कि जब से आप इन्वॉल्व हुए तो और ज्यादा अच्छे लगते हैं व्लॉग्स, और ये इसलिए इन्वॉल्व हाँ लॉकडाउन चल रहा है तो इसलिए इन्वॉल्व है, जब खत्म हो जाएगा तो फिर से इनका वही संडे को आना है, बीच में कभी घर रहते हैं तब आना, वो चीज़ हो जाएगी। अभी इतने हो इतने फायदा उठा लेते हैं आपका। फ्रेंड्स मेरे हस्बैंड मुझे जीन्स ना पहनने पर टोंट मार रहे हैं। पहनते तो आप कह रही थी तुम जीन्स वाली लड़कियों से मुकाबला करोगी। हाँ जी इतनी हट्टी खट्टी हस्ट हस्ट पुष्ट हो रही है हमारी मैडम, जीन्स तो पता नहीं कौन से साइज की आएगी, वर्कआउट करना पड़ता उसके लिए, ऐसे थोड़ी ना जीन्स पहनी जाती है। पूछो पूछो ऐसे कैसे जीन्स पहन लोगे, जीन्स के पैसे बचा रहे हो आप ना, भी मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। तो ऐसे बोलते हैं जींस वाली लड़कियों से क्या मुकाबला करोगी तुम? मतलब वर्कआउट से था मेरा मतलब। समझ रही हूँ। मतलब कुछ ऐसा तो बोलूं जिस आपको जोश आ जाए नीचे जिम में भागो। मैं करूंगी मैं एक्सरसाइज। आज मैंने शाम को एक रोटी खाई है, वो बात अलग है, साथ जलेबी खा ली थी। अभी रात हुई, अभी तो सिर्फ 11:30 हुए हैं, चावल होल भी। और कल हमने कौन सी मूवी देखी थी, हमारे व्यूअर्स ने पूछा था कौन सी थी, वर्ल्ड वॉर थी। वायरस लीक हो, हाँ एक वायरस लीक हो जाता है उसके अगेंस्ट एक टी वायरस बनाया जाता है, ये दिखा रहे हैं जबरदस्ती। जींस वाली लड़कियों से क्या मुकाबला? मम्मी को जींस ही नहीं आती, आप कैसे बताओ, कुछ बताइए उपाय बताइए। इधर बैठो, मम्मी को जींस पहनने, पापा कह रहे हैं जींस वाली लड़कियां ज्यादा अच्छी होती हैं, स्मार्ट होती हैं। मम्मी आपने जींस पहनी है? नहीं इसको तो नहीं पता। एक सेकंड, आप आई नहीं ना, आपने क्या पहनी है? हमने क्या पहनी है बहू? मैंने तो सूट पहन। तो फिर जो लड़की सूट पहनती है वही लड़की अच्छी होती है। देखा मेरा बच्चा है। अरे मैं तो वर्कआउट करवाना चाहता हूँ। हाँ बोलो सैंडी। देखो मेरा बच्चा। हाँ वो समझ नहीं रहा ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ। पर बच्चे में एक प्रॉब्लम है। क्या क्या दिक्कत हो गई? जो हमने ऊपर छत में लच्छी वाला गेम बोला है उसमें दीदी की टीम में मम्मी, मेरी टीम में पापा। आपको मेरी टीम में होना है? नहीं हमारा भी सोच लिया, पापा की टीम में रह लेना ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा तुमसे वॉच मत कहो। नहीं 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 एक्चुअली क्या है, कल मेरे हस्बैंड कह रहे थे गेम खेलेंगे कुछ, हाँ तो इन्होंने कुछ प्लान किया हुआ था, तो सैंडी को मेरी टीम में नहीं आना, पापा की टीम में जाना है। हाँ आप परेशान और अच्छे खेले कि देखो
सबसे आगे बच्चे, उससे पीछे मम्मी पापा, ठीक है? ठीक है, तो अभी हम अपने व्यूअर्स, क्योंकि टीम बच्चों ने बनाई है, तो अब हम अपने व्यूअर्स को बाय बोल दें। बाय बाय। वैसे मैं समझ गई, ये ऐसे ही बोल रहे थे। ठीक है मम्मी, जींस पहन के दिखाऊं? ठीक है मम्मी, आपके लिए टास्क है।